बिग बॉस के घर में बिग बॉस कुछ चीजों को लेकर काफी ज्यादा सख्त रहते हैं, जैसे कि बिना माइक के घूमना। वेल, बिग बॉस 12 के घर में फिर ये गलती दोहराई गई है। कल के एपिसोड में ही सलमान ने शिवशीष और कृति की जोड़ी बना दी, तभी तो देखिए ना कैसे ये दोनों दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ काफी खुश और कर रहे हैं एक दूसरे के संग फ्लर्ट। कृति ने तो पहले शिवशीष को स्विमिंग पूल में ढकेल दिया और फिर चालू हो गई इन दोनों की मस्ती। घर वालों ने फिर माइक वाली बात पर ऑब्जेक्शन उठाया, जिस पर एक बार फिर रो पड़ी कृति। बिग बॉस 12 में किसी की लव जोड़ी बने ना बने, लेकिन शिवशीष और कृति की जोड़ी जरूर बनेगी। तभी तो देखिए ना कि कैसे इतनी रात में कृति शिवशीष एक दूसरे संग दबी आवाज में बात कर रहे हैं। तो वही सुबह कृति और शिवशीष फिर एक दूसरे के संग इशारों ही इशारों में नैन मटका भी करते हुए दिखाई दिए हैं। वेल, ये लवली कपल्स का लव शो में कितना आगे बढ़ेगा ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। बिग बॉस से जुड़ी सारी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। बिग बॉस के घर में बिग बॉस कुछ चीजों को लेकर काफी ज्यादा सख्त रहते हैं, जैसे कि बिना माइक के घूमना। वेल, बिग बॉस 12 के घर में फिर ये गलती दोहराई गई है। कल के एपिसोड में ही सलमान ने शिवशीष और कृति की जोड़ी बना दी, तभी तो देखिए ना कैसे ये दोनों दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ काफी खुश और कर रहे हैं एक दूसरे के संग फ्लर्ट। कृति ने तो पहले शिवशीष को स्विमिंग पूल में ढकेल दिया और फिर चालू हो गई इन दोनों की मस्ती। घर वालों ने फिर माइक वाली बात पर ऑब्जेक्शन उठाया, जिस पर एक बार फिर रो पड़ी कृति। बिग बॉस 12 में किसी की लव जोड़ी बने ना बने, लेकिन शिवशीष और कृति की जोड़ी जरूर बनेगी। तभी तो देखिए ना कि कैसे इतनी रात में कृति शिवशीष एक दूसरे संग दबी आवाज में बात कर रहे हैं। तो वही सुबह कृति और शिवशीष फिर एक दूसरे के संग इशारों ही इशारों में नैन मटका भी करते हुए दिखाई दिए हैं। वेल, ये लवली कपल्स का लव शो में कितना आगे बढ़ेगा ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। बिग बॉस से जुड़ी सारी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।